हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ न्यू क्वेश्चंस की न्यू पैटर्न के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ पी एस कोडेड 2, क्यू एस 4, आर एस 6, बी एस 7, जेड एस 9, डब्ल्यू एस 5 एंड एफ एस 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोडेड फ्रॉम बी एफ आर पी जेड। हमें क्वेश्चन में कुछ अल्फाबेट्स की जो है वो कोडिंग गिवन है और हमने किसकी कोडिंग फाइंड करनी है, बी एफ आर पी जेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें पहले कोडिंग क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। पी का कोड क्या गिवन है हमें, 2। ओके, देन आगे क्यू का कोड क्या गिवन है हमें, 4। आर का कोड क्या गिवन है, 6। बी का कोड क्या गिवन है, 7। जेड का कोड क्या गिवन है, 9। एंड डब्ल्यू का कोड क्या गिवन है, 5। और एफ का कोड क्या गिवन है हमें, 3। ये सब कोड हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और हमने किसका कोड फाइंड करना है, बी एफ आर पी जेड। ओके, अब देखो हमें जो इनके कोड फाइंड करने हैं वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। हमें सिर्फ ऊपर अल्फाबेट देखना है और नीचे नंबरिंग देखनी है कौन सा कोड है और यहाँ पे हमने पुट कर देना है। ओके, फर्स्ट है हमारा बी। क्या कोड गिवन है बी का, 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोड बी का, 7। देन नेक्स्ट देखो एफ, एफ का कोड है गिवन है हमें, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ओके, नेक्स्ट देखो आर, आर का गिवन है हमें दिस, आर का कोड क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर का कोड, 6। पी देखो, पी यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोड पी का, 2। एंड लास्ट है आपका जेड, इसका कोड क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, जेड का 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड का कोड 9। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन एज RSTL, हाउ विल हियर बी रिटन इन दैट कोड। हमें क्वेश्चन में कोड का कोड गिवन है और हियर का कोड क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें क्वेश्चन में कोड गिवन है कोड का, उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया। ओके, आई थिंक आपको अब ये आहिस्ता आहिस्ता निकालने आगे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होंगे। आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कीजिए। ओके, चलिए हमें क्वेश्चन में जो कोड गिवन था पॉन्ड का वो है RSTL। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें कोड गिवन है इन अल्फाबेट, अल्फाबेट के ऊपर कोडिंग नंबरिंग पुट कर देंगे कौन सा अल्फाबेट कौन सी प्लेस में आता है। ओके, पी आता है हमारा 16 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, एन आता है हमारा 14 पे और डी आता है हमारा 4 पे। ओके, यहाँ पे सेम करना है हमें, आर आता है हमारा 18 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे और एल आता है हमारा 12 पे। ओके, अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या लिंक बन रहा है। ओके, अब देखो P हमारा 16 पे है और 16 से कितना है हम 18 पे, 18 पे क्या हमारा R, तो यहाँ पे कितने ऐड ऑन हुए, प्लस 2 हुए। ओके, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 15, 15 में क्या हमारा O, तो यहाँ पे नीचे क्या है, 19। कितना हुआ, 15 प्लस 4 कितना हुआ हमारा, 19। 19 में क्या हमारा S। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो N, N आपका 14 पे है, 14 से हम कहाँ पे आए, 20 पे, यहाँ पे कितने ऐड ऑन हुए, प्लस 6 हुए। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 8। ओके, नेक्स्ट देखो D, D हमारा 4 पे है, 4 से कहाँ पे आए, 12 पे, 12 पे क्या हमारा L, L का आता है 12 पे, तो यहाँ पे कितने प्लस होंगे, प्लस 8। ये पैटर्न जो है हमारा क्वेश्चन में कोडिंग का चल रहा था। ओके, अब इसी तरह से सेम पैटर्न यूज करके हमने कोड निकालना है किसका, हियर का, जो हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए चलते हैं हियर की तरफ।
एच आता है हमारा 8 पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको कोड फाइंड करना होगा आपने उन अल्फाबेट्स के ऊपर नंबरिंग पुट कर देनी है। ओके, इससे आपको हेल्प होगी कोडिंग फाइंड करने में। ई आता है आपका 5 पे, ए आता है आपका 1 पे और आर आता है आपका 18 पे। अब देखो सेम कोड फॉलो होगा, यहाँ पे पहले प्लस 2 हुए थे, यहाँ पे भी कितने होंगे प्लस 2। 8 प्लस 2 कितना 10, 10 पे क्या आता है आपका जे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना था प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा प्लस 4। 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 पे क्या आता है आपका आई। ओके नेक्स्ट देखो ए, ए पे क्या है 1, यहाँ पे कितने प्लस हुए प्लस 6, यहाँ पे कितने होंगे प्लस 6। ओके 6 प्लस 1 7, 7 पे क्या आता है आपका जी। क्लियर हुआ? साथ साथ सॉल्व कैसे करना है इसकी कोडिंग। लास्ट है आपका आर, आर आपका 18 पे है, यहाँ पे कितने प्लस करने हैं 8। ओके 18 प्लस 8 कितना हो गया आपका 26, 26 में क्या आता है आपका जेड। ओके समझ आया? देखो हमने क्या फाइंड किया, ये का कोड जे आई जी जेड। अब देखते हैं जो हमने कोड फाइंड आउट किया है वो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जी एच आई जे, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है हमारा जी एच आई जे, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा जे सी एल जेड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जे आई जी जेड, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके क्वेश्चन समझ आया? सॉल्व कैसे किया इसको, कौन सा मेथड लगेगी? इन दोनों क्वेश्चन में जो है वो अलग अलग मेथड यूज किया गया है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके चलिए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें न्यू पैटर्न लगा है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको ये नहीं करवाया, ध्यान से समझना किस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके एग्जाम पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर जो है वो गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गो होम इज रिटन एज टी एन, सॉरी गो होम इज रिटन एज टा न। हमें क्वेश्चन में गो होम का जो है वो कोड गिवन है क्या टा न। इसको हम पहले साथ साथ लिख लेते हैं। ओके गो होम का कोड जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है टा न। इसका ये मतलब है कि गो का कोड होगा टा और होम का कोड क्या होगा न। ओके आगे चलते हैं। स्वीट होम इज रिटन एज न जा, हमें क्वेश्चन में स्वीट होम का कोड भी गिवन है वो क्या है एनेना जे ए जा। इसको ये मतलब है कि स्वीट का मीनिंग जो है कोड वो ना है और होम का जो कोड है वो जा है। ओके नेक्स्ट चलते आगे। एंड स्वीट एंड सोर इज रिटन एज पास आ जा, और स्वीट एंड सोर का जो कोड क्या गिवन है हमें स्वीट एंड सोर का कोड क्या गिवन है पास आ जा, पा सा जा। ओके अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ इज सोर इन रिटर्न, हाउ इज सोर रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। हमें इस क्वेश्चन में सोर का कोड फाइंड करना है कि सोर का कोड क्या होगा। समझ आया? क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से समझना। देखो हमें क्वेश्चन में जो कोड गिवन थे गो होम का कोड गिवन था हमें टाना, हमने यहाँ पे एड ऑन कर लिया। ओके नेक्स्ट कोड गिवन था हमें स्वीट होम, इसका कोड क्या गिवन था ना जा, तो यहाँ पे क्या आ गया ना और जा। नेक्स्ट कोड क्या गिवन था हमें स्वीट एंड सोर, स्वीट एंड सोर का कोड क्या गिवन था हमें पास आ जा, पास आ जा हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके अब हमने फाइंड आउट करना है किसका कोड, सोर का कोड फाइंड आउट करना है। ओके देखो अब देखो फर्स्ट लाइन में गो होम है, ओके सेकंड लाइन में स्वीट होम है और थर्ड लाइन में स्वीट एंड सोर है। अब इसमें रिपीटिंग वर्ड कौन से है पहले आप उसको देखना। ओके होम जो है वो फर्स्ट लाइन पे भी आ रहा है और सेकंड लाइन पे भी आ रहा है, ओके थर्ड लाइन में होम नहीं आ रहा है।
अब देखो फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में ऐसा कौन सा कोड है जो रिपीट हो रहा है? फर्स्ट लाइन में कोड क्या आपका टा और ना, सेकंड में क्या है ना और जा। मतलब इसका ये है कि जो होम का कोड है वो दो लाइनों में फॉल कर रहा है। ओके, और यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड में जो दो कोड सिमिलर है वो कौन से है? ना इधर भी है और ना इधर भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो होम का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ना। इतना क्लियर हुआ? कैसे फाइंड किया इसका कोड को? होम का कोड क्या आ गया आपका? ना। इसका मतलब अगर होम का कोड आपका आ गया है ना, तो यहाँ पे गो जो है उसका कोड क्या होगा? टा। क्लियर हुआ? तो गो का कोड क्या हो जाएगा आपका? टा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट स्वीट। स्वीट आपका सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। ओके, स्वीट स्वीट। अब देखो सेकंड और थर्ड में ऐसा कौन सा कोड है जो रिपीटिंग हुआ है? देखो जा है सेकंड में, जा जो है वो सेकंड में भी है और थर्ड लाइन में भी है। मतलब स्वीट का कोड क्या हो जाएगा? जा। ये भी क्लियर हो गया? स्वीट का कोड क्या आ गया? जा। ओके, अब यहां देखो कौन कौन से जो कोड है बच गए हैं। गो और होम का कोड भी फाइंड कर दिया। गो का कोड क्या हो गया? टा। और होम का कोड क्या हो गया? ना। फर्स्ट लाइन जो है वो कंप्लीट होगी। सेकंड में क्या था? स्वीट। इसका कोड क्या फाइंड किया हमने? इसका कोड फाइंड किया हमने? जा। ओके, अब देखो होम का कोड हमने फाइंड कर दिया था। अब क्या बच्चा हमारा? एंड और सोर। हमें क्वेश्चन में कौन सा फाइंड करना है कोड? सोर का। अब यहाँ पे दो कोड बचे हैं, एक बचे हैं पा और एक बचा है सार। अब इनमें से हमें कंफ्यूजिंग है कि कौन सा कोड किसका होगा। एंड का कोड पा भी हो सकता है और एंड का कोड सार भी हो सकता है। ओके, एंड अगेन देखो आगे सोर का कोड पा भी हो सकता है और सोर का कोड सार भी हो सकता है। हमें इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? तो हम क्या करेंगे, सोर का कोड जो होगा हम इन दोनों को याद कर देंगे। कैसे? सोर का कोड जो होगा पा भी हो सकता है या और सा भी हो सकता है। ठीक है, हमने सोर कोड क्या फाइंड किया? पा और सा। तो देखते हैं ऑप्शन में जो है पा और सा जो गिवन है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पा, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पा हमें सिंगल दिया हुआ है बट हमने जो कोड फाइंड किया सोर का उसमें पा और सा। इसका मतलब है कि पा भी हो सकता है सोर का कोड और सा भी हो सकता है। ओके, बी पार्ट देखो, बी पार्ट में सिंगल हमें सा गिवन है और सी देखो, सी पार्ट में क्या है? पा और सा। मतलब जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डाटा इनएडिक्वेट, मतलब कि कुछ भी नहीं है इसका। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कैसे फाइंड किए जाएंगे। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पैटर्न पूछे जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन तीन, ये थे हमारे आज के तीन क्वेश्चंस। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ उन्हें पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को लेडीज को शेयर करें ताकि वो भी कुछ इनसे सीख सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।